अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा आर्टिकल है आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सैटेलाइट्स क्या होते हैं। वो तमाम चीज़ें जो ज़मीन के इर्द गिर्द ऑर्बिट करती हैं, ज़मीन के इर्द गिर्द रिवॉल्व करती हैं, हम उन ऑब्जेक्ट्स को सैटेलाइट्स कहते हैं। अब सैटेलाइट्स जो होते हैं बेटे, वो दो तरह के होते हैं। एक होते हैं नेचुरल सैटेलाइट्स और एक होते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। नेचुरल सैटेलाइट्स वो सैटेलाइट्स होते हैं जो कुदरती तौर पर अल्लाह ताला ने ज़मीन के इर्द गिर्द रिवॉल्व करवाने पर लगाए हुए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल चाँद हो गया, ठीक है। आर्टिफिशियल जो सैटेलाइट्स हैं ये मैन मेड सैटेलाइट्स होते हैं, यानी कि मैन मेड ऑब्जेक्ट्स होते हैं और जिनको इंसान जो है अपनी तरक्की के लिए या कुछ चीज़ों की जांच के लिए ज़मीन के इर्द-गिर्द रिवॉल्व खुद से करवाता है, हम उनको आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स कहते हैं, ठीक है। आज हमने ये चेक करना है कि एक सैटेलाइट जो ज़मीन के करीब करीब है, ठीक है, यानी कि बहुत ज़्यादा हाइट पर नहीं है, उसको रिवॉल्व करवाने के लिए कम अज़ कम कितनी वेलोसिटी चाहिए, ठीक है। उस वेलोसिटी से थोड़ी की अगर वेलोसिटी होगी तो कोई भी सैटेलाइट जो है वो रिवॉल्व नहीं कर सकेगा और वो टंबल बैक होकर ज़मीन पर आ सके गिरेगा। तो इसके लिए हम स्टार्ट करते हैं। याद रखें, ये है आपके पास अर्थ, ये है बेटे अर्थ का रेडियस, और ये अर्थ के इर्द गिर्द एक ऑर्बिट है, और ये उसकी ज़मीन के सरफेस से लेकर यहाँ तक की हाइट है। यहाँ पर एक सैटेलाइट मौजूद है, वी की वेलोसिटी से वो मूव कर रहा है, ठीक है। अब ग्रेविटेशनल फोर्स जो है दैट इज़ इक्वल टू एम जी, यानी कि ज़मीन इसके ऊपर जो फोर्स लगा रही है वो एम जी की है। जबकि अगर ये सर्कल में घूम रहा है तो सर्कल में घूमने के लिए इसको चाहिए सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला है एम वी स्क्वायर ओवर आर। हमने अब ये देखना है कि इस सैटेलाइट को सेंट्रीपिटल फोर्स दे घूम रहा है, तो बेसिकली ज़मीन का ग्रेविटेशनल पुल है जो इस सैटेलाइट को सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा है। इसलिए एफ जी और एफ सी बराबर हो जाएंगे। इनमें हम लोग इक्वेशंस पुट करेंगे, एम एम से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास जी की वैल्यू आ जाएगी वी स्क्वायर ओवर आर। यहाँ से हम वी को निकाल देंगे, जिसे जी आर जरूर, जी की वैल्यू 9.8 डाली, आर है रेडियस ऑफ द अर्थ दैट इज 6400 किलोमीटर्स, इसको मीटर्स में चेंज किया तो वेलोसिटी का आंसर आता है 7.9 किलोमीटर्स पर सेकेंड। इसका मतलब है कि ये वेलोसिटी क्रिटिकल वेलोसिटी है। क्रिटिकल वेलोसिटी वो वेलोसिटी होती है कि जिससे बिलो अगर कोई भी सैटेलाइट वो वेलोसिटी लेकर मूव करेगा तो वो जो सैटेलाइट है वो रिवॉल्व नहीं कर पाएगा। अब हमें देखना है टाइम पीरियड कितना लगता है, क्रिटिकल वेलोसिटी के साथ कितना टाइम लगेगा किसी भी सैटेलाइट को ज़मीन के इर्द गिर्द का एक पूरा चक्कर कंप्लीट करने के लिए। तो उसके लिए हम अपनी इक्वेशन लिखते हैं एस इज इक्वल टू वी टी। एस बराबर है वी, टाइम पीरियड के टी को बड़े टी से डाल दिया हम लोगों ने। एस है सरकमफेरेंस ऑफ दी अर्थ, तो ज़मीन का जो सरकमफेरेंस है दैट इज़ 2πr वी टी। यहाँ से हमने टी निकाल लिया 2πr बाई वी, तो आर की वैल्यू डालें, पाई की डालें, क्रिटिकल वेलोसिटी की वैल्यू डालें, तो ये आपको देता है ऑलमोस्ट अप्रॉक्सीमेटली 84 मिनट्स। यानी कि 84 मिनट्स में ये जो सैटेलाइट है वो क्रिटिकल वेलोसिटी लेकर ज़मीन के इर्द-गिर्द का एक पूरा चक्कर कंप्लीट कर लेगा। अब याद रखें कि क्लोज ऑर्बिटिंग सैटेलाइट्स जो हैं वो ज़मीन की सरफेस से 400 किलोमीटर की हाइट पर मौजूद होते हैं। इसी तरह की अगर आपके पास 24 सैटेलाइट्स हों तो ये 24 सैटेलाइट्स मिलकर एक ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम जो है वो बना देते हैं। तो ये आपने तैयार कर लेना है फॉर एमसीक्यू। ये जो पूरा का पूरा आर्टिकल है बेटे, ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन है और ये एमसीक्यू के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। अल्लाह हाफ़िज़।